अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने टॉप तैयार किए बराबर में, आपको जो टॉप दिख रही होगी सेम उसी तरह की हमने ये टॉप तैयार की है। ठीक है, सिर्फ हमने इस पे बटन नहीं लगाए, उस पे बटन लगे हुए। ठीक है, बाकी इसका मेजरमेंट हमने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया, इसकी बॉडी हमने कितनी रखनी है, इसकी नीचे की फ्रिल कितनी रखनी है। ठीक है, और स्लीव्स की कटिंग भी मैंने आपको करना बताया, स्लीव्स की कटिंग हमने किस तरह की है। चलिए शुरू करते हैं, टॉप हमने किस तरह तैयार किया है। ये हमने अपने टॉप के हिसाब से लंबाई ली हुई है। ठीक है, बाकी ऊपर हमने कटिंग कर दिया इसका, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमारा। 30 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी। इसमें हमें बॉडी देनी है। ठीक है, कुछ कुछ हमारा बॉडी में दबाव चला जाएगा, कुछ ऊपर और कुछ नीचे चला जाएगा। ठीक है, 30 इंच ही हमें जो है ना टॉप तैयार करना है, उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब ये मैंने डबल किया है कपड़े को। ठीक है, ये फ्रंट है हमारा और ये नीचे वाला बैक है। नीचे वाला ऊपर से भी जो है ना बिल्कुल प्लेन है और फ्रंट जो है ना हमारे ऊपर ये प्रिंटेड है। अब इसे हम नीचे से नापेंगे, ये हमारा आएगा 32 इंच। 32 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे क्योंकि हमारा 2 इंच दबाव में जाएगा, 1 इंच हमारा बॉडी में दबाव में चला जाएगा, आधा इंच बॉडी का और आधा इंच नीचे वाले घेर का। ठीक है, 1 इंच हो जाएगा, आधा इंच ऊपर का और आधा इंच नीचे का आ जाएगा, 2 इंच टोटल जो है ना हमें इसकी बड़ी कटिंग करनी है। तैयार हो गया हमारा, 30 इंच तैयार हो जाएगा। ठीक है, 32 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहां से इसे शेप दे देंगे। आर्म होल का निशान हम 8 इंच पे लगा लेंगे और वेस्ट का निशान हम यहां पे लगा लेंगे 15 इंच पे। ठीक है, और बॉडी हमारी 18 इंच तैयार होगी। 19 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर दबाव में जाएगा, आधा इंच नीचे दबाव में जाएगा। ये तीनों निशान हम सीधे कर लेंगे। ये हमने तीनों निशान सीधे कर लिए। ठीक है, अब इस पे हम अपने निशान लगाएंगे। 8 इंच पे हम इसका शोल्डर का निशान लगा लेंगे, चेस्ट का निशान हम 10 इंच पे लगा लेंगे, वेस्ट का निशान भी 10 इंच पे लगा लेंगे। ठीक है, वेस्ट हमारी इसी तरह लूज आएगी, जितना हमारा चेस्ट होगा उतनी हमारी वेस्ट होगी। और जो हमारा हिप्स है वो 21 इंच है। ठीक है, 21 इंच से हमें 1 इंच बढ़ाना है। ये 21 इंच हमारा यहाँ आता है 10.5। ठीक है, 11.5 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। ये असल में हिप्स नहीं, हिप्स तो हमारा थोड़ा सा नीचे आएगा, ये 19 इंच पे हमने इसका निशान लगाया हुआ है। ठीक है, और इसके घेर जो है, घेर ही हमारा पूरा आ जाएगा नीचे से, हम यहाँ से इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे, यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे, अंदर की साइड शेप दे देंगे इसे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी सीधी। ये हमने टॉप की कटिंग कर ली। ठीक है, अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स है हमारी, इसे हमने डबल किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसे दोबारा डबल कर दिया। अब इसमें 5 इंच की हमारी नीचे फ्रिल है, 6 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान आ गया। ठीक है, 6 इंच पे यहाँ पे भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से काट लेंगे ताकि हमारे दोनों स्लीव्स के जो ना पीस हो जाए फ्रिल वाले। उसके बाद हमारी 20 इंच की तैयार स्लीव्स है। ठीक है, तो इसे यहाँ से हम 5 इंच पे नीचे निकाल लेते हैं। 5 इंच की हमारी फ्रिल तैयार होगी, हमने काटी 6 इंच है, 5 इंच हमने निकाल ली नीचे, तो हम 21 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम इसे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से मोरी का निशान हम लगा लेंगे 5 इंच पे।
से यहाँ पे शेड दे देंगे। यहाँ पे हम इसे फ्रंट का शेप दे देंगे दो पीसों में, ठीक है। नीचे वाले दो हमारे बैक हो जाएंगे और ऊपर वाले दो हमारे फ्रंट के हो जाएंगे। अगर आप स्लीव्स को अलग अलग बिछाते हैं तो बीच वाले दोनों दोनों पीस हमें पकड़ने होते हैं, ठीक है। उसकी हमने कटिंग की करनी होती है। अगर हमने दोनों स्लीव्स एक साथ इस तरह बिछाई हैं तो ऊपर वाले दो होते हैं, देखें ये जैसे कि मैंने दो कटिंग की है तो दोनों स्लीव्स के जो है ना फ्रंट पे आ जाएगा। ये नीचे वाले पीस को हम दोनों आपस में इस तरह जोड़ लेंगे। इस तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे चुन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना कि हमने इसका बॉडी का गैप रखा है, ये जो हमारा दबाव आ रहा है इसी हिसाब से हम इसकी चुन दे देंगे, जो पूरी ऑलराउंड हमारी घूम जाए बॉडी में। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा के साइडों की, यहाँ पे मैंने चुन दे दी और इसकी बॉडी पे भी मैंने साइडों की सिलाई लगा ली, ठीक है। बॉडी को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की बॉडी है तो इस तरह हम इसे, ये जो हमारी सिलाई है इसकी साइड की, इस साइड की सिलाई से हम इसे मिलाएंगे। इसे हम यहां से इस तरह कर लेंगे, सिलाई से सिलाई मिला के हम इसे ऑल राउंड पूरी सिलाई लगा लेंगे, पूरी सिलाई लग जाएगी हमारी। ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली ऑल राउंड, ठीक है। बॉडी मैंने नीचे वाले घेर के साथ जोड़ ली, ये देखें, ठीक है। अब हमने फ्रंट में एक पट्टी लगानी है सेंटर में। ये पट्टी मैंने तैयार की हुई है, एंकर का धागा इसमें मैंने यूज किया है, ये देखें। बहुत से गले बना चुका हूँ मैं एंकर के धागे से, ठीक है। ये एंकर का धागा किस तरह यूज़ होता है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी एंकर के धागे वाली तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो अब इस पट्टी को हम यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे। इस पट्टी को मैंने दोनों साइड से मोड़ा हुआ है, ये देखिए 1 इंच की हमारी चौड़ी पट्टी है। ये सेंटर में रख के इसे दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी नीचे तक पूरी। ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली इसकी, ठीक है। दूसरी साइड की भी मैंने इसकी सिलाई लगा ली। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। यहां से इस पट्टी का सेंटर कर लेंगे इसी तरह। और यहां से हम इसे 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहां से हम इसे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से इस तरह शेप दे देंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हमने फ्रंट के गले की कटिंग कर ली। फ्रंट के गले में हम बूट पाइपिंग तैयार करेंगे, बूट पाइपिंग शो करेंगे, ठीक है। बूट पाइपिंग लगाने का तरीका मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत डिटेल से मैंने बताया था वो, ठीक है। तो इसमें हम इस पे बूट पाइपिंग शो कर लेंगे और बैक का गला बना के इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसके घेर में फिनिशिंग लगा लेंगे, ठीक है। और जो हमने स्लीव्स तैयार करनी है, स्लीव्स भी हमने इसी तरह तैयार करनी है, जैसे कि हमने इसकी दोनों साइड पे सिलाई लगा ली, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी चुन दे दी, उसके बाद हमने इसकी साइड की बॉडी की सिलाई लगा के इसे आपस में जोड़ लिया। तो स्लीव्स में भी सेम इसी तरह जो है ना हमने इसे जोड़ना है फ्रिल को। ये फ्रंट के गले में मैंने बूट पाइपिंग लगा ली, ठीक है।
और इसका बैक का गला हमने नॉर्मल बना लिया। बैक का गला बनाने के बाद हमने इसके शोल्डर जोड़ लिए, उसके बाद हमने इसके गियर में फिनिशिंग लगा ली, ठीक है। और ये स्लिप भी सेम इसी तरह हमने तैयार किया जैसे हमने ये बॉडी और नीचे वाला गियर तैयार किया है। ये देखें यहाँ पे हमारी चोन आ रही है, ऊपर वाली स्लिप है हमारी, इसी तरह ये हमारी चोन है ऊपर बॉडी आ रही है, ठीक है। ये हमारी टॉप तैयार हो गई।